नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बात करूंगा जिसमें से, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके कारण भारत में बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, और वो समस्या होती है दोस्तों हकलाने की समस्या, यानी कि जिसे स्टैमरिंग कहा जाता है। अब हिंदी में इसको दो अलग अलग शब्द होते हैं, हकलाना और तुतलाना, तो दोनों बिल्कुल अलग ही कंडीशंस होती हैं, दोनों बिल्कुल अलग ही तरह की बीमारियां हैं, अलग ही तरह के डिसऑर्डर हैं, हमें ऐसा कहना चाहिए, बीमारियां तो उनको नहीं कहना चाहिए, डिसऑर्डर कहना चाहिए। तो स्टैमरिंग बिल्कुल अलग चीज़ है, हकलाना और तुतलाना, लेकिन जो इसके लिए जो शब्द है जो इंग्लिश डिक्शनरीज में यूज़ किया जाता है वो खासतौर से स्टैमरिंग या स्टटर, ये दोनों एक ही शब्द यूज किए जाते हैं हकलाने के लिए भी तुतलाने के लिए भी, लेकिन इनके जो बिल्कुल जो इनको समझने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हकलाने का मतलब जो होता है वो बिल्कुल ही अलग है, तुतलाने का जो मतलब होता है वो बिल्कुल ही अलग है। हकलाने का मतलब होता है कि एक शब्द को बार बार रिपीट करना, एक सेंटेंस को पूरी तरह एक बार में ना बोल पाना, ये हकलाना होता है, जिसे सामान्यतः स्टैमरिंग कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है तुतलाना। तुतलाने का मतलब होता है कि किसी एक शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाना, यानी कि उसका जो प्रोनंसिएशन होना चाहिए जैसा वैसा नहीं कर पाना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति रा है तो वो रा को सही तरीके से नहीं बोल पाता और ला बोलता है ना, या कोई मेरा नाम लेना चाहे तो वो स्वप्निल की जगह यदि टॉपनिल कहता है तो वो उसका वो तुतलाना हो गया, क्योंकि उसका जो जीभ का जो मूवमेंट है वो उतना सही नहीं हो रहा है, जो अपर पैलेट को जहाँ जीभ को टच करना चाहिए थी वो वहाँ टच नहीं हुई है या रोल हो गई है, इस तरह के रीजंस तुतलाने के होते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे केवल हकलाने के बारे में बात करूंगा, यानी कि स्टैमरिंग के बारे में बात करूंगा, यानी कि मैं बात आपसे करूंगा कि क्यों कोई व्यक्ति एक बार में एक सेंटेंस को पूरा नहीं बोल पाता है या एक बार में एक शब्द को रिपीट क्यों करता है, जैसे प प प प प प ह ह ह ह, इस तरह के सेंटेंस को वो, इस तरह के वर्ड्स को वो रिपीट क्यों करता है, मैं इसमें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हकलाने के केसेस में, यानी कि जहां पे पूरे सेंटेंस को एक बार में नहीं बोला जा सकता या वो व्यक्ति जो है वो किसी वर्ड को बार बार रिपीट करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हकलाना होता है ये ज़्यादातर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो किसी नर्वसनेस में हकलाने लगते हैं, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन उनके सामने आ जाती है जहाँ पे वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लो महसूस करते हैं, तब वो हकलाने लगते हैं या एक शब्द को बार बार रिपीट कर देते हैं या एक सेंटेंस को एक बार में नहीं बोल पाते और उसको बीच में उनको गैप लेना पड़ता है, तब जाके उनका जो सेंटेंस है वो पूरा होता है। तो ये इसका एक रीज़न हो गया। इसके बाकी भी बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों, जैसे कि किसी को सिर में कोई चोट लग गई है, उसके कारण कभी पुरानी कोई चोट रही हो जिसका इफेक्ट उनके ब्रेन पे पड़ा हुआ हो तो फिर उसके कारण वो हकलाना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ ही यदि उनको कोई ऐसी बीमारी है जैसे पार्किंसनिज्म है, यदि कोई ऐसी बीमारी है तो उस अवस्था में भी उनको हकलाना शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ ही हो सकता है कि बच्चे जो हैं जिनका डेवलपमेंट अभी हो रहा है तो डेवलपमेंटल स्टेज में उनको ब्रेन में कुछ ऐसा हो गया हो जिसके कारण उनको हकलाना उनको शुरू हो गया है। इसके साथ साथ ही यदि किसी को ब्रेन में इश्चीमिया डेवलप हो गया है या ब्रेन में जितना सर्कुलेशन होना चाहिए था ब्लड का उतना नहीं हो पाया तो वहाँ पे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कोई परेशानी आ गई है, तब उस कंडीशन में भी हकलाना शुरू हो सकता है, यानी कि हकलाने जैसी समस्याएं स्टार्ट हो सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे खास जो चीज़ मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको बताई थी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने अंदर किसी तरह के कॉन्फिडेंस की कमी को महसूस करता है या स्ट्रेस में होता है या नर्वस होता है, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहता है, उसके ऊपर कोई डिप्रेशन जैसी कोई समस्या उसके साथ चल रही होती है, तब उस कंडीशन में वो जिस शब्द पे उसको जिस लाइन पे उसको कंसंट्रेट करना है उस जगह पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तब उस कंडीशन में उसको स्टैमरिंग होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है किसी ऑफिस में काम कर रहा है और उसके बॉस हैं वहाँ पे, उसको बड़ी परेशानी उनसे फील हो रही है, उनके सामने वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। घर पे वो बात करेगा बिल्कुल ठीक बात करेगा, उसको हकलाना कहीं नहीं होता, लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुँचता है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिर उसके बाद वो हकलाना शुरू कर देता है। तो इस तरह की ये समस्याएं होती हैं दोस्तों। ज़्यादातर इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो स्पीच थेरेपिस्ट बड़े आसानी से उनको ठीक
कर देते हैं या फिर उनकी कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू भी उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन होम्योपैथी में इसके लिए कुछ खास दवाइयां होती हैं जो पेशेंट की बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा ये एक जनरल कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक बिल्कुल जनरल सी मेडिसिन हैं जो कि स्टैमरिंग के केसेस में, हकलाने के केसेस में यूज़ की जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो मेडिसिन हैं पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाती हैं, यानी कि हो सकता है कि कई जो पेशेंट हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो तो उनको इस मेडिसिन से उतने अच्छे रिजल्ट ना मिले। फिर भी अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि 70-80% जो लोग होते हैं उनको इस कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको 3 दवाएं लेके आना है। सबसे पहले लेके आना है एस्ट्रामोनियम, एस्ट्रामोनियम को 30 पोटेंसी में लेके आना है। दूसरी मेडिसिन आपको लेके आना है हायोसाइमस नाइगर, इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेके आना है। और तीसरी मेडिसिन आपको लेके आना है कालीफॉस, इसको आपको 6x पोटेंसी में लेके आना है। अब एस्ट्रामोनियम की 30 पोटेंसी की आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को यूज करना है, और हायोसाइमस नाइगर की 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को यूज करना है। इसके साथ ही दिन में 3 बार कालीफॉस 6x पोटेंसी की 4-4 टैबलेट देना है, यानी कि 4 सुबह, 4 शाम को और 4 रात में। इस तरह से इस कॉम्बिनेशन को आपको यूज करना है। कंटिन्यू कम से कम 3-4 महीने यूज करिए। जिस अवस्था में आपको रिजल्ट मिलेंगे वो लगभग 1-1.5 महीने बाद ही आना शुरू होगी। 15 दिन में आपको अंतर समझ में आने लगेगा कि कुछ आपकी बॉडी में चेंज हो रहे हैं, उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट कंप्लीट 2-3 महीने होने पर ही मिलेंगे। तो आप इस कॉम्बिनेशन का यूज करके देख सकते हैं जिन लोगों को नर्वसनेस ज्यादा होती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यदि ले लेंगे, जैसे आपने किसी डॉक्टर से केस टेकिंग कराई और उसके आधार पे आपके शरीर से मैच करने वाली मेडिसिन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में कमी हो रही है और उसको लाइकोपोडियम सूट करती है, तो यदि इस कॉम्बिनेशन के साथ आपने लाइकोपोडियम ले ली तो फिर आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन है दोस्तों जो होम्योपैथी में स्टैमरिंग यानी कि हकलाने के लिए यूज़ किया जाता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।